मैंने कहा अभी नए वीडियोज आप सुन रहे हैं? अभी नहीं सुन पा रहा हूं सर। ओके, अभी एक महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं कि नई, हमने उसका नाम दिया है नए युग की सत्यनारायण कथा। अच्छा सर। और उसमें ये कहा गया है कि यदि हम इस सत्यनारायण कथा का पालन करते हैं तो ये सत्यनारायण कथा लगभग वैसी ही है जैसे कि नारद मुनि जब मृतलोक में विचरण किया और उन्हें लगा कि लोगों को नाना प्रकार के दुख हो रहे हैं तो वो वैकुंठ धाम जाके उन्हें सत्यनारायण कथा का बोध हुआ। ठीक है, राइट। तो ये कथा भी कुछ कुछ वैसी ही है जो नाना प्रकार के हम लोग कष्ट सह रहे हैं वर्तमान व्यवस्था में, जी वो कष्ट कैसे दूर हो। हाँ, अंग्रेजों का शासन था। हाँ, आपने जो है उनके बाद जो है काले अंग्रेजों का शासन आ गया। हाँ, और इन काले अंग्रेजों ने आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। हाँ, और उनके बदलने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, जी। अभी जो 3 नए एक्ट बने हैं, इट इज ऑल्सो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, राइट। हाँ हाँ हाँ, ये स्थिति है कि नहीं है? ये बिल्कुल फैक्ट है सर। आप बताइए, क्या आप जब पुलिस में जाते हैं तो पुलिस सुनवाई करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती है सर। क्या पुलिस ठीक ढंग से विवेचना कर रही है? नहीं कर रही है सर। क्या जो है गलत मुकदमे, झूठे मुकदमे, पैसे लेकर और राजनीतिक दबावों में कायम नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं सर। एक व्यक्ति की गलती होती है और 10-10-12 को फंसा दिया जाता है और वो वर्षों वर्ष उत्पीड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है सर। अच्छा, अब शिवराज मुझे ये बताइए। हाँ जी। कि हमारे राजनेता हमको अच्छे राजनेता दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं सर। वही वो बड़ी जड़ तो वहीं से खराब है सर। हाँ, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर दुष्टों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को और अपराधियों को वरीयता दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं सर, बिल्कुल दे रहे हैं सर। और ये लोग जो है दारू बांट के, पैसे बांट के, साड़ी बांट के इनके इन प्रकार जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गरीबों के वोट खरीद रहे हैं और जिन गरीबों के वोट से वो चुने जा रहे हैं उन्हें वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस बात से शिवराज कहाँ तक सहमत हो? बिल्कुल सर, मैं 100% ही सहमत हूँ सर। अब आप ये मुझे बताइए कि ये लोग जो है टिकट लेने में से लेके जीतने तक करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और जिस दिन से जीतते हैं उससे अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। वो विद इंटरेस्ट निकालते हैं सर, विद इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब सीधा सीधा व्यापार कर रहे हैं वो। पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर उसको विद इंटरेस्ट निकालते हैं सर। बहुत सही कहा आपने। और इन नेताओं के आसपास जो लोग जमावड़ा इकट्ठा है वो अच्छे लोग हैं या गुंडे मवावली असामाजिक तत्व है? बिल्कुल असामाजिक तत्व सर। और आप ये देखिए कि वो लोग 70% सर, 70%। और आप ये भी देखिए कि ये लोग जो है जब चारों तरफ घूमते रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं तो इनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है? रोजी रोटी कैसे चलती है? बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब है कि अब इन नेताओं ने स्वयं तो गड़बड़ है ही, अपने आसपास ऐसी भीड़ इकट्ठी कर ली है जो भयकारित करती है। भयकारित करती, बिल्कुल सही बात। इनको देख के डर लगता है, डर लगता है। आम आदमी की किसकी पिटाई कर दें ये और उल्टे झूठे मुकदमे कायम करा दें और लोगों की जमीन पे कब्जा करने से लेके हर तरीके के हथकंडे ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही। और अवैध वसूली भी झटके कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। अब शिवराज मुझे ये बताओ। हाँ जी। आपके पास अच्छा भारत पाने का क्या विकल्प है? अच्छा भारत बनाने का विकल्प सर, सबसे पहले तो जमीनी लेवल से सफाई करनी पड़ेगी। जमीनी लेवल से करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? जड़ों को मजबूत करना पड़ेगी। जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि कम से कम ऐसे आए, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसका मोटिव, मतलब उसका मोटिव नहीं होता है सर, ये रिश्वत लेना उसका मोटिव नहीं होता है सर।
उसको ये मतलब ये उसे प्रेरित करते हैं सर, क्योंकि इन हैंड में देखो क्या रहता है, छोटी सी बात है सर, एक गवर्नमेंट कर्मचारी होता है और गवर्नमेंट पब्लिक होती है, पब्लिक ही गवर्नमेंट होती है, और हम अपना प्रतिनिधि वहां पर रखते हैं और हमारे लिए ये सेवा के तौर पे कर्मचारी दे दिए जाते हैं सर, वो उनको फॉलो करते हैं। अब ये इनके पर्सनल लालच के लिए आज जैसे मान के चलो कि इन्होंने विधायक के चुनाव में 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो अब इनका पावर रहेगा पूरे जिले पे, पूरी विधानसभा पे, तो ये विधानसभा में जो विभाग रहेंगे उनको किस पे बांध देंगे, सीधा तहसीलदार साहब को किस्त बांध देंगे वो, तो तहसीलदार साहब कहाँ से पैसा देंगे, तहसीलदार साहब को पैसा निकालना पड़ेगी पटवारियों से। अब उसमें फर्क ये हो जाता है, जैसे किसी भी इन्होंने टीआई को फोर्स करा के भैया हमको तो इतना पैसा चाहिए आपसे, अब टीआई से मांगा इन्होंने कि हमको आपसे 1 करोड़ रुपए चाहिए साल में, 1 करोड़ रुपए चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अब उनके अंडर में जैसे मान के चलो 10 थाने आते हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर, अब क्या है क्योंकि वो गलत तरीके से ले ही रहे हैं, तो उन्होंने 10 करोड़ बोला तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए 10 थानों में बांट दिया, उन्होंने कहा 15 करोड़ चाहिए। अब वो 15 करोड़ कहाँ पहुंच गया, जब उन्होंने अपने नीचे के जो जो भी हैं सिपाही उनको जब टारगेट दिया ना, तो सर वो टारगेट नेता ने दिया कितना, 10 करोड़ का टारगेट, और वो टारगेट पहुंच गया 50 करोड़ पे, 50 करोड़ जाना पब्लिक का है, जाना पब्लिक का है सर, और पब्लिक ने पहले पहले मतलब जो मूर्ख पब्लिक थी उसके ऊपर उन्होंने पैसा खर्च कर दिया था। तो वो अपना पैसा बना रहे हैं, तो उनको सिर्फ 10 करोड़ रुपए चाहिए था, मगर यहाँ पे पब्लिक से उन्होंने पैसा निकाला, और जब किसी को ये पैसा निकालने की आदत पड़ जाती है तो फिर ऊपर से कोई फोर्स हो नहीं हो, और फिर हम लोग कर्मचारियों को दोष देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनको आप कैसे बदलेंगे सर, इनको नहीं बदल सकते सर, ऊपर ना नेता को बदल सकते हैं ना अधिकारियों को बदल सकते हैं, तो हम चक्रव्यूह में फंस गए हैं, हम बदल सकते हैं सर। हमारा भाग्य बन गया। हाँ मतलब हमारे पास कोई उपाय है, या इसी सड़ी गली व्यवस्था में जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी, जो अत्याचार करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाई थी, उसको झेलने के अलावा और कोई विकल्प हमारे पास है क्या सर? विकल्प हमारे हाथ में सर, हम नेताओं को समझा नहीं सकते, हम किसी अधिकारी कर्मचारी को समझा नहीं सकते। हमारे हाथ में एक तो नेता बदलना हमारे हाथ में, नेता बदल सकते हैं हमारे हाथ में, नेता बदलने में आपके हाथ में कैसे है? सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, सभी पार्टियां इसी आधार पर टिकट बांट रही हैं, जाति धर्म संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर सभी पार्टियां जो है वो दारू बांट रही, साड़ी बांट रही, पैसे बांट रही हैं और गरीबों का वोट खरीद रही हैं, फ्री भी बांट रही हैं। तो आपके पास चॉइस कहाँ है? थोड़ा सा पब्लिकली पब्लिक को समझाना पड़ेगा। नहीं, जब आपके पास चॉइस नहीं है तब कैसे ऐसा होगा? देखिए, इसी बात को समझने और समझाने के लिए मैं इस बार एमपी के भोपाल से एमपी के चुनाव के लिए मैं खड़ा हुआ था, ये तुमको जानकारी है कि नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी जानकारी नहीं लग पाई सर। अच्छा, तो मैं जो है खड़ा हुआ था निर्दलीय के बतौर, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि ये दुष्ट व्यवस्था अच्छे लोगों को चुनने के लिए नहीं बनी है। आपको मालूम है हमको कितने वोट मिले थे? 448। कितने? 448। पुलिस विभाग के यदि हमारे यदि के लोग हमको वोट देते तो लखों में पहुंचते, पहुंचते कि नहीं पहुंचते? लखों में सर। तो इसका मतलब है कि जो लोग आपके साथ रहे, आपको जानते हैं, सब कुछ है, उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिए। क्यों वोट नहीं दिए? तो आप कैसे लोगों को समझाएंगे, कैसे उसको करेंगे,
उसके लिए ही ये सत्यनारायण कथा बनाई गई है। ये सत्यनारायण कथा कह रही है कि आपको कुछ नहीं करना है, ना तो आपको पैसे देना है, ना आपको कोई जुलूस निकालना है, ना केवल ना आपको धरना देना है, ना पुतला जलाना है, ना किसी को ज्ञापन देना है। तो कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को भी ज्ञापन नहीं देना है। अच्छा अच्छा किसी भी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन नहीं लगाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में।